हेलो गाइस, कैसे हो? तो दोस्तों, यूएई दुबई से जाने वालों के लिए दोस्तों सरकार ने गाइडलाइन जारी किया है। दोस्तों जस्ट अभी का अपडेट है, स्टेप बाय स्टेप आपसे बात करने वाला हूं। वीडियो लास्ट से देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके, क्योंकि आप लोग भी न्यूज़ वगैरह में सुना होगा कि अभी कोविड पूरी तरह से हर कंट्री में धीरे धीरे पैर फैला रही है, जैसे दोस्तों पहले फैला रही थी उसी तरह। जब स्टार्टिंग में कोविड आया था उस टाइम भी ऐसे ही स्टार्ट हुआ था, लेकिन इस बार भी इसी तरह दोस्तों स्टार्ट हुआ। बट इस बार का दोस्तों ज़्यादा ही हार्ड वाला ये इफेक्ट कर रहा है बॉडी पर। तो दोस्तों जो गाइडलाइन जारी हुआ है उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप आपसे बात करने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करता हूं, बताता हूं गाइडलाइंस अभी लेटेस्ट का, अगर आप यूएई दुबई से जा रहे हो तो क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट ने पहले जो रूल था दोस्तों उसी को थोड़ा कड़क बना दिया गया है। पहले जो रूल था उसे, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ से अभी अगर आप जाते हो तो डबल डोज आपको वैक्सीन सर्टिफिकेट लाजिम चाहिए। अगर आपके डबल डोज यहाँ पे और साथ में बूस्टर भी अगर लगा है तो और भी अच्छी बात है, मतलब कंपलसरी दो डोज तो आपको चाहिए। आप यूएई से दुबई से जा रहे हो, यहाँ अपने इंडिया कहीं भी दिल्ली एयरपोर्ट पर हो या मुंबई एयरपोर्ट पर, तो ये दो चीज़ आपको, एक चीज़ तो लाजिम चाहिए। दूसरा आपको लाजिम चाहिए दोस्तों कि अगर आपका वैक्सीन नहीं लगा हुआ है, सिंगल डोज लगा है, तो उसके लिए दोस्तों पीसीआर टेस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपको पीसीआर टेस्ट कर चाहिए मतलब 72 आवर्स के अंदर में, ठीक है। तीसरा जो अपडेट है दोस्तों, वहाँ जाने के बाद सारे लोगों को स्कैनिंग किया जाएगा, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया कि जो भी विदेश से आने वाले, जो भी किसी भी कंट्री से, आप दुबई से आ रहे हो, ओमान, कतर, सऊदी, बहरीन, कहीं से भी, तो आपको वहाँ पे दोस्तों वो लोग थर्मल स्कैनिंग कर रहा है। जिस पर उन लोगों को डाउट हो रहा है उसे पीसीआर टेस्ट कराना पड़ेगा, और वो भी पीसीआर टेस्ट दोस्तों फ्री में नहीं होगा, आपको अपने पैसे से कराना पड़ रहा है। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज करके ये रियल जानकारी दिया है, तो मैं सोचा आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करूँ। तो दोस्तों अगर आप यहां से जा रहे हो तो अपने पास कुछ पैसे ज़रूर रख कर जाए, आप यहां का करेंसी करा सक इंडिया का करेंसी करा लो, या फिर एयरपोर्ट पर भी करेंसी एक्सचेंज हो जाता है, तो अपने पास कुछ पैसे ज़रूर रखना, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ इस तरह का घटना घटा है कि एयरपोर्ट पर जाने के बाद पता चल रहा है उनके पास पैसा नहीं है। तो गवर्नमेंट तो काम करती है, बट दोस्तों आपको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो ये तीन इम्पोर्टेंट अपडेट है दोस्तों, जैसा मैं पहले बताया कि आपको यहाँ का जो वैक्सीन सर्टिफिकेट है वो लाजिम चाहिए। दूसरा, अगर आपको वैक्सीन सर्टिफिकेट नहीं है, मतलब जो कंप्लीट वैक्सीन सर्टिफिकेट, दोनों डोज लाजिम चाहिए, साथ में बूस्टर भी। बूस्टर है तो अच्छी बात है, बट दोस्तों इस पर रोक नहीं लगा कि बूस्टर लगाना ही है, मगर अभी भी डबल डोज के लिए ज़रूरत है। तीसरा, अगर आपका सिंगल डोज है या लगा ही नहीं है, तो पीसीआर टेस्ट 72 आवर्स के अंदर लाजिम चाहिए। वहाँ जाने के बाद आपको थर्मल स्कैनिंग के बाद आपको वो लोग खुद बताएगा कि हाँ, आप पर शायद उन लोग को डाउट होगा या कुछ लक्षण दिखाई देगा, तो बोलेगा कि आपको टेस्ट कराना पड़ेगा। टेस्ट कराने का दोस्तों खर्च आपको खुद उठाना पड़ेगा, तो इसीलिए मैं ये अपडेट डाला हूँ कि आप लोग यहाँ से जाने के बाद कुछ पैसे अपने पास ज़रूर रखें। और कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी सवाल है, चलता वीडियो भर में 4 अंक का कोड आएगा, उस कोड के साथ कमेंट करो, आपका भाई ज़रूर रिप्लाई करेगा। मिलता हूँ दोस्तों नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ, जब तक जय हिंद।